गाइस यहां पर जिनके पास पोको M2 Pro का डिवाइस है तो गाइस यहां पर उनके कमेंट्स आए क्या हमें इस मंथ में MIUI 12.5 का कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए मिल सकता है या फिर नहीं, और स्टेबल अपडेट हमें MIUI 12.5 का पोको M2 Pro में कब तक देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में बताओ। इसलिए गाइस यहां पर अगर आपके पास पोको M2 Pro का डिवाइस है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। यहां पर गाइस आप लोग बता दूं पोको M2 Pro के लिए MIUI 12.5 स्टेबल बेटा अपडेट्स के लिए फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई है जो कि गाइस यहां पर इंडिया के लिए। अब यहां पर उसका फॉर्म फिलअप वगैरह कैसे भरने का था वो तो मैंने आपको बता दिया था। यहां पर उसकी लिस्ट भी आ चुकी है कौन से डिवाइस मतलब MIUI सिलेक्ट कर लिए गए। यहां पर पोको के सभी डिवाइसों के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं यानी कि उनके लिए अब जो सिलेक्ट हो चुके उनके लिए MIUI 12.5 का स्टेबल बीटा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या वो इस मंथ में मिलेगा नेक्स्ट मंथ में देखने के लिए मिलेगा तो गाइस यहां पर आप लोग सबसे पहले MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट आने से पहले या फिर स्टेबल बीटा अपडेट मिलने से पहले पोको M2 Pro के लिए आपको Android 11 का स्टेबल अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ गाइस यहाँ पर पहले Android 11 का स्टेबल अपडेट मिलेगा पोको M2 Pro के लिए, उसके बाद ही यहाँ पर MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए पायलट यूजर की बात करूँ यानी कि स्टेबल बेटा अपडेट की तो यहाँ पर आप लोग को मई के मंथ में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर मई के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकता है, मिड मई से पहले भी देखने के लिए मिल सकता है पोको M2 Pro में जो कि गाइस यहाँ पर पायलट यूजर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा जो कि गाइस यहाँ पर स्टेबल बेटा अपडेट होगा। और स्टेबल अपडेट की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को मई के बाद ही अपडेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी यहां उसके बारे में स्टेबल अपडेट के बारे में कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि इंडिया के लिए कोई ऐसी लिस्ट निकल के नहीं आई स्टेबल अपडेट के लिए। फर्स्ट बैच और सेकंड बैच कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आया कि यहां पर कौन से डिवाइस मिलते, बट गाइस यहां पर वो लिस्ट बहुत ही जल्द आप लोगों को इंडिया के लिए देखने के लिए मिल सकती है। इंडिया के लिए कौन से MIUI 12.5 के स्टेबल अपडेट कौन से डिवाइस को देखने के लिए मिलेगा उसके लिए यहां पर थोड़े दिन का आप लोगों को और वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को सबसे पहले Android 11 अपडेट मिलेगा, उसके बाद गाइस यहां पर MIUI 12.5 का स्टेबल बेटा अपडेट यानी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया उनके लिए पायलट यूजर के लिए स्टेबल अपडेट मिलेगा MIUI 12.5 का जो कि गाइस यहां पर मिड मई के आसपास कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद ही गाइस यहां पर स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा पोको M2 Pro में MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट और बेटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग समझ में आया ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रख लेना। फ्यूचर में जब भी कोई भी अपडेट आएगा उसकी लिंक्स और न्यूज आपको हमेशा वहां पर मिलती रहेगी। साथ ही यहां पर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर देना और कुछ भी नहीं करना।